नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए बटन पर क्लिक कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। खबरें तो आप बहुत देखते होंगे, लेकिन खबरों को गहराई से जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। राजस्थान में बीजेपी के नवनियुक्त अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक ऐसा आंदोलन है जो देश और दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। अगर संघ नहीं होता तो हमारा हिंदुस्तान भी नहीं होता। जयपुर में एक कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पूनिया ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उस पर जमकर निशाने लगाए। पूनिया ने कहा कि ये इतिहास छुपा हुआ नहीं है और इतिहास के तथ्य भी छुपे नहीं हैं। इस देश में विभाजन किसने कराया? मुगलों और अंग्रेजों से सांठगांठ किसने करी? अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं होता तो हिंदुस्तान नहीं होता। पूनिया ने विपक्षी दल पर तंज कसते हुए सवाल किया कि इस देश में राम मंदिर को ध्वस्त करके बाबरी मस्जिद को इस तरीके से मुद्दा किसने बनाया? पूनिया ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र भी बचा है और इस लोकतंत्र की अक्षुण्णता के साथ साथ पूरे देश और दुनिया में भारत के स्वाभिमान की धमक भी बढ़ी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपने आप में शब्द या संस्था नहीं है, एक बड़ा आंदोलन है जो देश और दुनिया को बदल सकता है। एक दिन पहले ही उन्होंने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बने पूनिया को पार्टी के केंद्रीय नेताओं से बेहतर तालमेल के लिए जाना जाता है। वे संघ परिवार के नेताओं के चहेतों में भी शामिल हैं। राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष का पद इसी वर्ष 24 जून को मदनलाल सैनी के निधन के कारण खाली हुआ था। पूनिया राजस्थान बीजेपी के 14वें अध्यक्ष हैं। वे 4 बार पार्टी के प्रदेश महामंत्री भी रह चुके हैं। पूनिया लो प्रोफाइल जाट नेता भी माने जाते हैं। देखिए, मैं जैसे कहा जिस प्रक्रिया से आया, संगठन का नाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिससे हम लोग अपने पैतृक संगठन से सीखते हैं, तो जो संस्कार उन्होंने दिए बचपन से ही युवावस्था में वो पार्टी पर भी लागू होते हैं, क्योंकि पार्टी भी एक परिवार की तरह काम करती है। परिवार में आपको उसी साख के हिसाब से काम करना होता है। पार्टी ने मुझे संस्कार दिया और ये जो धैर्य सीखने की प्रेरणा उन लोगों से मिली। मैं बड़े नेताओं से जब चर्चा करता था वो यही कहते थे काम और ईमानदारी राजनीति में सबसे बड़े हथियार हैं। मैं समझता हूँ कि आज एक कार्यकर्ता का सम्मान हुआ है और पार्टी ने राजस्थान के ऐसे असंख्य कार्यकर्ताओं को उनको तवज्जो दी है, उनको सम्मान दिया। आपको लगता है सर हिंदुस्तान आज संघ की वजह से, क्योंकि जो काम करता है जमीनी लेवल पे अंदरूनी लेवल पे संघ ही कर सकता है? निश्चित रूप से मुगलों का आक्रमण, फिर यहाँ पर अंग्रेजों का आगमन और उसके बाद एक लंबे अरसे की गुलामी, ऐसे सनातन देश को भी इस तरीके की बाधाओं से दो दो हाथ करने पड़े और बहुत अरसे तक हमारी पहचान मिटाने की कोशिश की, इतिहास की, संस्कृति की, और अभी भी इस तरीके के फिरकापरस्त लोग हैं जो अकबर को महान बताते हैं। महाराणा प्रताप की महानता उनकी नज़रों में कम है। पाठ्यक्रमों से छेड़छाड़ करते हैं, महापुरुषों को बदनाम करते हैं, उनके नाम बदलते हैं, योजनाओं के नाम बदलते हैं। तो मुझे लगता है कि एक बहुत लंबे अरसे तक कांग्रेस पार्टी एक वंश का शासन रहा। उस समय के हालात में यदि संघ नहीं होता, 1925 में संघ का आगमन, मुझे लगता है कि भारत की धरती पर संस्कृति को बचाने के लिए, इतिहास की विरासत को बचाने के लिए और देश में एक ऐसी मजबूत राष्ट्रवाद की शक्ति खड़ा करने के लिए, तो संघ, मैं तो कहता हूँ, केवल देश नहीं दुनिया को दिशा देने की ताकत रखता है। निश्चित रूप से हम जो अपेक्षा करते हैं धर्म और अध्यात्म के आधार पर कि दुनिया चले, देश चले, वसुदेव कुटुंबकम की जो हम लोग कल्पना करते हैं उस कल्पना को साकार कोई कर सकता है तो संघ का विचार कर सकता है। संघ तो हिंदुस्तान है जी। निश्चित रूप से देश में परम वैभव की कल्पना जो की जाती है, आज भारत माता के जयकारा जो गूंजता है, वंदे मातरम जो गूंजता है, उसको इज्जत मिलती है, तो निश्चित रूप से तिरंगे को मान मिलता है, तो उसमें संघ का बड़ा योगदान। आज के इस डिजिटल दुनिया में हर कोई चाहता है यूट्यूब पर छाना, हर कोई चाहता है यूट्यूब पर अपनी बात बताना, लेकिन अगर आपके पास एंकर, स्टूडियो, एडिटिंग और दूसरे संसाधन नहीं है तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस दे सकता है आपको सभी वीडियो प्रोडक्शन सर्विसेज। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9001299672 और विजिट करें मिशी मीडिया सॉल्यूशंस.com।